पता है तेरा बाप कौन है? है? पता है तुझे तेरा बाप कौन है? है? जानते है तू तेरा बाप कौन है? बता, जानते है तू तेरा बाप कौन है? गंगाराम, और मैं तेरा बाप सुवाराम। साले अपने बाप को थप्पड़ मार रहे है। क्या यार पापा, मैं गैंगस्टर बन ही गया था और आपने मेरा इतना अच्छा सपना तोड़ दिया। यार मैं तुझे यार दिख रहा हूँ, साले तेरा बाप हूँ बाप। अरे अरे, ऐसे कैसे जाइलो की तरह मेरे फूल से बेटे को मार रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तेरे इस लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। देख आज ये गैंगस्टर बनने के सपने देख रहा है, एक दिन खुद तो मरेगा ही और साथ में तुझे और मुझे भी ले डूबेगा। अरे यार पापा, मरना तो सभी को है, लेकिन मैं अपनी पहचान बना के मरूंगा। अरे आप दोनों ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? आज वैसे मेरे बेटे का ऑफिस में पहला दिन है, भगवान करे ये खूब तरक्की करे। अरे बेटा, मोंटी भाई कोई क्लाइंट आ रहा। हाँ जी आओ, बैठो बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बहुत बड़ी चीटिंग हुई है मेरे साथ। एक लड़की थी एंजल प्रिया के नाम से, वो एक साल तक मेरे से इंस्टाग्राम पर बात करती रही और मुझे पता भी नहीं चला वो मेरे 5,000 रुपए कब खा गई। हाँ? ये पकड़ 50 रुपए, और कल सुबह की मुंबई की ट्रेन से मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत और मेरे 5,000 रुपए वापस आ जानी चाहिए। साले 50 रुपए में मुंबई भेजेगा तू मेरे को? अबे ऐसे गैंगस्टर बनेगा क्या तू? अबे चल निकल यहाँ से। हर आदमी थे, मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से फायरिंग करने लगे, जिससे मेरी साइकिल की हवा निकल गई। और ये लो 5 रुपए और हवा भरा के लाओ। रुके, क्यों फट गई क्या? हाँ, ये ले 5 रुपए और सिलवा लेना। अगर तुम्हारी बस की नहीं है तो क्यों चला रहे हो ये गैंग 69? अबे मेरा लकी नंबर है। ये हो क्या रहा है, हर कोई मुंह उठाकर चला रहा है, ऐसे बनूंगा मैं गैंगस्टर? अरे मोंटी भाई, गैंगस्टर बनने के लिए पहले अपनी गैंग का प्रमोशन करवाना पड़ेगा। प्रमोशन? हाँ, और वो भी राणा भाई के पास। हाँ तो फिर चलना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चोरी डकैती किडनैपिंग कुछ भी, बस आप एक बार मेरी गैंग का प्रमोशन कर दो। मुझे नाम और पैसों से बहुत प्यार है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम समझ जाओ। अब प्रमोशन ऐसे नहीं मिलती, प्रमोशन के लिए पहले मुझे धमकी पड़ती है। हाँ तो देंगे ना, चल दे बे। अबे ओए ओए, ये क्या कर रहा है? वो क्या ना, पैसे अंदर वाली जेब में, आजकल चोर उचक्के ज्यादा घूम रहे, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है। तुम लोग थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। और राणा भाई। बोल दलाल, कौन सी मुर्गी होने वाली है हलाल? राणा इस बार ऐसी मुर्गी लाया हूँ जो मुंह मांगी कीमत दे के जाएगी। ऐसा क्या? हाँ राणा। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी बता। स्नाइपर के आदमी से मेरा एक बैग लेके आना है। कौन स्नाइपर? तुझे पता भी है स्नाइपर कौन है? सारे गैंगस्टरों के बापों का भी बाप स्नाइपर, और तू उसके आदमी के पास से बैग लाने की बात कर रहा है? वो तो मुझे भी पता है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तो क्या, इस पूरे जिले में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो स्नाइपर के आदमी को छू भी सके। सोच ले राणा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अबे यार, काम हो जाएगा लेकिन 15 लाख रुपए लगेंगे। 15 लाख क्या, मैं 20 लाख दूंगा, पर काम हो जाना चाहिए। ओए इधर आओ, एक काम करोगे? हाँ क्यों नहीं। ये काम तेरी गैंग के नाम से होना चाहिए कि सब कुछ तूने किया है, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहो, आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा, आप तो काम बताओ। उसने काले कपड़े पहने होंगे और सर पर लाल रंग की टोपी होगी, और हाँ सबसे जरूरी बात, उसके हाथ में एक बैग होगा। ए पागल है क्या, तू जानता नहीं किस पे हाथ उठा रहा है? अरे हट, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, गैंग 69 से आया हूँ मैं। शहर में किसी भी बच्चे से पूछ लेना मेरे बारे में, हाथ पकड़ कर ऑफिस तक छोड़ के आएगा। पर मुझे तुझसे क्या करना है? पर मुझे तुझसे करना है, एक दिन चुपचाप जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास।
अल्पिन। पता नहीं भैया, एकदम से आए और सबको मारने लगे। पता नहीं भैया, वो बार बार किसी स्नाइपर का नाम ले रहे थे और उन्होंने सभी को बहुत स्नाइपर कहाँ है? ओए, आवाज नीचे। स्नाइपर कहाँ है? साले भूल गया क्या तेरे बाप के साथ क्या हुआ था? मैं ये बोल रहा हूँ, स्नाइपर कहाँ है? अबे भगाओ इसे, साला बिना मतलब दिमाग खराब कर रहा है। स्नाइपर कहाँ है? बता स्नाइपर कहाँ है? बता। मंगलम कॉर्पोरेशन के पास, प्लीज मुझे छोड़ दो। कसूर तेरे माँ बाप का नहीं, तेरी किस्मत का है जो तू स्नाइपर से टकरा गया। और आज तक जो भी स्नाइपर से टकराया उसका परिवार जिंदा कभी नहीं बच पाया। अब तू भी नहीं बचेगा। स्नाइपर को मारने आया था, बदकिस्मती तो देखो अब खुद मरने जा रहा है। तूने मेरी बात को क्यों मारा? अरे क्या हो गया, कैसे चिल्ला रहा है? गोली लग गई रे, गोली लग गई यार, छाती में गोली लग गई। अरे छाती में कहाँ लग गई, पूरी छाती से बात पड़ी है। गोली लग गई। अरे पापा आप जिंदा हो? और मुझे क्या होगा, मैं से भरी जवानी में मरने वाला हूँ क्या? अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं। लेकिन आप तो मर गए थे ना, और मैं गैंगस्टर बन गया था। गैंगस्टर? स्नाइपर भाई को मारने गया था मैं। स्नाइपर भाई को 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था मुझे, उसने आपको और माँ को मेरे सामने मार दिया था। पापा वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था।